टेस्ट सीरीज के दौरान कौन है टीम इंडिया की सबसे बड़ी खोज? टॉम मूडी ने बताया नाम। टी20 में धमाल मचाने वाले इस गेंदबाज को टेस्ट में मिला मौका, उमेश यादव की जगह लेंगे। इंडियन टीम का नया वाइस कैप्टन बना ये खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा इस ओहदे से हटाए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल सकते हैं बाबर, नेट पर बहाया जमकर पसीना। तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। टेस्ट सीरीज के दौरान कौन है टीम इंडिया की सबसे बड़ी खोज? टॉम मूडी ने बताया नाम। इंडियन टीम तीसरे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है जो सिडनी में 7 जनवरी से खेला जाएगा। इससे पहले दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेलबोर्न में मेजबान टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली थी। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही थी और टेस्ट डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज ने भी अपनी परफॉर्मेंस से खूब मुतासिर किया था। सिराज की गेंदबाजी की खूब तारीफ हो रही है और अब इस लाइन में साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी ने भी उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि इस सीरीज के दौरान वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं। टी20 में धमाल मचाने वाले इस गेंदबाज को टेस्ट में मिला मौका, उमेश यादव की जगह लेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज टी नटराजन को नए साल पर सबसे बड़ी सौगात इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मिली है। साल के पहले दिन ही उनको टेस्ट टीम में जगह दिए जाने की खुशखबरी मिली। टीम इंडिया के तजुर्बेकार गेंदबाज उमेश यादव चोट की वजह से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। जुमा को BCCI ने नटराजन को उमेश यादव की जगह जबकि मोहम्मद शमी की जगह शार्दुल ठाकुर को टेस्ट टीम में शामिल किए जाने का ऐलान किया। इंडियन टीम का नया वाइस कैप्टन बना ये खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा इस ओहदे से हटाए गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के कप्तान विराट कोहली इंडिया लौट गए तो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया जो पहले टीम के वाइस कैप्टन थे। इसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए चेतेश्वर पुजारा को वाइस कैप्टन बनाया गया, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बना दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें प्लेइंग 11 में भी खेलने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल सकते हैं बाबर, नेट पर बहाया जमकर पसीना। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जुमा के रोज को क्राइस्ट चर्च के हेगले ओवल में नेट पर लंबे वक्त तक प्रैक्टिस की। इसके बाद उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के चांसेस बढ़ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक स्टाफ ने क्राइस्ट चर्च से बताया कि बाबर ने इतवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए साथी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। नेपोली के स्ट्राइकर विक्टर ओसिमहेन कोरोना पॉजिटिव। नाइजीरिया के स्ट्राइकर विक्टर ओसिमहेन इटली से वापसी के वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेपोली के क्लब ने जुमा को इस बात का ऐलान किया। 21 साला विक्टर जख्मी होने की वजह से पहले से ही क्लब से बाहर थे। नेपोली ने उनके पॉजिटिव आने के बाद कहा, विक्टर को कोरोना के कोई अलामत नहीं है और वो पॉजिटिव आने से पहले किसी भी खिलाड़ी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।